इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के गया और किउल रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जहाँ पर कि बिहार के गया और किउल रेलवे ट्रैक के डबल रेलवे लाइन का काम तेजी से कम्प्लीट किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार अब लखीसराय से शेखपुरा के रास्ते नवादा तक दोनों ट्रैक पर बिना किसी रुकावट के ट्रेन चल सकेंगी। वारिसलीगंज से नवादा तक रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम कंप्लीट हो गया है और रेलवे सुरक्षा आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद इस नए रेलवे ट्रैक पर ट्रेन भी चलने लगेगी। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि किउल से गया तक अब सिर्फ 17 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण का काम बाकी है, जिसे आने वाले कुछ महीनों में पूरा करने की उम्मीद की जा रही है। जानकारी के अनुसार बताया गया कि नवादा और तिलैया के बीच रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम बाकी है। इसके अलावा किउल से गया तक रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का शुरुआती चरण शेखपुरा तक पहले ही कंप्लीट कर लिया गया है। लखीसराय से शेखपुरा तक दोनों रेलवे ट्रैक पर नवंबर 2022 से ही ट्रेन चलने लगी थी, लेकिन रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष ने लखीसराय और शेखपुरा के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बावजूद पतनेर और सिराड़ी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों के लंबे समय तक रुकने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि आने वाले समय में इन सभी परेशानियों को दूर कर लिया जाएगा और किउल से गया नवादा तक रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की लेट होने की समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो शेयर करें।